और वो तो था ही, ऑटो और रजिस्टर, हो सकता है कि कहीं बता के छोड़ दिया हूँ, ये भी तो हो सकता है। सी प्रोग्रामिंग BSCIT, यही ना है आप लोग का? ये कब पढ़ाए थे याद है कुछ? ये आई थिंक पॉइंटर से पहले था। हाँ यही ना था। इसके बाद साइंड और अनसाइंड भी पढ़ाए थे ना। 43 42 में होगा ये। स्टैटिक और एक्सटर्न यहाँ पे लिखवा दिए थे, बकायदा इसको समझा भी दिए थे। ठीक है, तो उसको एक लिख दे, है ना? या हो सकता है हम बोले होंगे कि आप लोग कर लीजिएगा, तो आप लोग कहे होंगे कि हाँ सर कर लेंगे, तो इसलिए भी। रजिस्टर और स्टैटिक नहीं है ना आप में भी? है या ना? ना है ना? तो स्टोरेज, आज स्टोरेज क्लास का जो है, हाँ नहीं, नहीं ये पानी है कि क्या है? अच्छा वो लग रहा है कप उठाने आई, पानी गिरा दी भैया। ये हो गया। इधर 4 5 और कर दीजिए, ठीक है ना? चलो प्रोजेक्टर ऑन कीजिए। ऑन है और है। थैंक यू। क्या हुआ? अच्छा आ गया। अच्छा
आ गया उसमें एचडीएमआई वाले को दबाना होगा ना, पोर्ट चेंज करना होता है एचडीएमआई का। देखो देखो जी कौन करते हो तुम। आवाज आ रही है ना? हेलो। यस सर। ओके तो स्टोरेज क्लास में जैसे पहला है कि सर ऑटो के बारे में कुछ बताइए, तो पहला बताते हैं ऑटो स्टोरेज क्लास में। ठीक है, तो इसके बारे में हम ये कहेंगे कि दिस इज द डिफॉल्ट डिफॉल्ट स्टोरेज क्लास दिस इज द डिफॉल्ट स्टोरेज क्लास। ठीक है, when we declare a variable with this storage, then it occupies the memory. It occupies the memory in किस memory में? RAM. RAM memory. And its life cycle depends upon the block in which it is declared. ठीक है, जिस ब्लॉक में आप डिक्लेयर करेंगे वो उसी में उसका जीवन रहेगा, उसके बाहर उसका जीवन नहीं रहेगा। ठीक है, तो ऑक्यूपाई का मतलब ऑक्यूपाई का मतलब होता है जगह छेकना। ठीक है, जगह घेरना, जगह छेकना। नहीं, ट्रेन में जगह नहीं ऑक्यूपाई करते हैं आप, जगह छेकते हैं, रुमाल फेंक देते हैं, भीड़ रहता है। ठीक है, तो वैसे ही। ठीक, तो क्लास का नाम क्या हो गया? ऑटो। कोई पूछे कि मेमोरी क्या होगा इसका? रैम। ठीक, कोई पूछे कि लाइफ साइकिल क्या होगा? लाइफ, ब्लॉक, जिस ब्लॉक में है लाइफ, ब्लॉक पे आधारित होगा। जब तक ब्लॉक काम कर रहा है ये भी काम करेगा, ब्लॉक खत्म ये भी खत्म। ठीक है, और वैल्यूज, इनिशियल वैल्यूज, तो इसमें गार्बेज होता है, डिफॉल्ट वैल्यूज। डिफॉल्ट वैल्यू क्या आएगा अगर हम इस तरह के वेरिएबल बनाते हैं, तो उसमें क्या जाएगा? गार्बेज।
क्लियर। रजिस्टर में भी गार्बेज होता है लेकिन स्टैटिक स्टैटिक और एक्सटर्न में जीरो हो जाता है। क्या हो जाता है? जीरो हो जाता है। ठीक है, अब फॉर एग्जांपल ब्लॉक हम नॉर्मली किसको कहते हैं? ओपनिंग और क्लोजिंग के बीच ब्लॉक। अब ये किसी फंक्शन से रिलेटेड हो सकता है, ठीक है, किसी फंक्शन के अंदर सब ब्लॉक में भी हो सकता है, किसी से भी रिलेटेड स्ट्रक्चर से हो सकता है, ठीक है, ओके। अब अगर इसका एग्जांपल हम समझे, एक फॉर्मल एग्जांपल अगर हम इसको समझे, तो कहता है कि आप इंट एक्स लिखें या ऑटो इंट एक्स लिखें, दोनों का मतलब सेम, ठीक है। आप ना भी लिखिएगा तो कंपाइलर उसके पहले ऑटो लगा रहा है। दिमाग में फिट हो गया? ठीक है, ओके। तो हमारा चूंकि ये डिफॉल्ट, मैंने स्टार्टिंग डेफिनेशन में ही कहा था कि ये ऑटो मेरा डिफॉल्ट होगा, ओके। अब इसको समझने के लिए कि मान लें कि हम एक एग्जांपल, वैसे एग्जांपल हम आपको पहले भी बताए थे लेकिन फिर भी पूछ रहे हैं तो बता रहे हैं। मान लीजिए कि वॉइड मेन आप एक एग्जांपल बना रहे हैं, हमको एक्चुअली इसके लाइफ को भी समझना है, और यहाँ पे हम इंट एक्स लिख देते हैं, ठीक है, और एक वैल्यू डाल देते हैं, क्या कोई दिक्कत? नहीं दिक्कत है, ठीक है, और यहाँ पे एक और ब्लॉक स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है। तो ब्लॉक के अंदर क्या हो गया? ब्लॉक, इससे सब ब्लॉक हो कोई ब्लॉक हो उससे मतलब, ये कह रहा है कि जहां रहेंगे हम अपने ब्लॉक पे आधारित है। तो ये एक्स किस ब्लॉक पे आधारित है? मेन के ब्लॉक पे आधारित है, लेकिन इसके अंदर अगर हम करते हैं इंट वाई इज इक्वल टू 13, ठीक है, तो ये किस ब्लॉक पे आधारित हो गया? सब ब्लॉक पे, लेकिन जो सब ब्लॉक है वो मेन ब्लॉक पे आधारित है, ठीक है। सब ब्लॉक का जीवन किसके अंदर खुला? मेन ब्लॉक के अंदर खुला। कहता है कि जो मेन में लाइव है वो तो सब ब्लॉक के लिए भी लाइव होगा। तो अगर मैं यहां पे प्रिंट एफ कर दूं, परसेंट फाइव डी एक्स कोमा वाई, ठीक, तो यहां तो मिल जाएगा, मिलेगा, यानी 12 और 13 आएगा हमको। लेकिन जैसे ही हम नीचे आएंगे, ये सब ब्लॉक जैसे एंड होगा, y का लाइफ क्या हो गया? एंड। अगर मैं यहां पे कहूं कि क्या मैं दोनों को यहां प्रिंट कराऊं, तो क्या वो काम करेगा? x तो काम करेगा, y काम नहीं करेगा। अगर देंगे तो एरर आएगा, अगर देंगे तो क्या आएगा? एरर। मैं जानबूझ के दे रहा हूं ताकि एरर आए आप हटा लीजिएगा, ये तो आप समझ सकते हैं ना। मैं लिख भी दूंगा कि यहां एरर है, एक्स तो ठीक है पर ये जो वाई आप कराने गए हैं यहां पे, ठीक है, यहां गेट सीएच लगा दिए, ये गलत है और ये गलती हम जानबूझ के कर रहे हैं। यहां क्या है? एरर है। क्यों एरर है? क्योंकि वाई ऑलरेडी सब ब्लॉक के साथ डेड हो चुका है, ठीक है। तो जो लाइव है आप उसी को ना इस्तेमाल कर सकते हैं, जो डेड हो चुका है वो आपको कहां मिलेगा? क्लियर, ठीक है। दिस इज द बेसिक इंपॉर्टेंस ऑफ द ऑटो। क्लियर? यस सर। ओके, आपको एरर हटाना होगा, वाई हटा दीजिएगा और एक फाइव भी हटा दीजिएगा, ठीक है। अगर इस एरर को हटाना हो, समझाने के लिए एरर मैंने जानबूझ के दिया है, अगर आप चाहते हैं कि ऐसा ना हो तो ये एक 5D हटा दीजिएगा, वाई हटा दीजिएगा, आपका ये प्रोग्राम रन हो जाएगा, ठीक है। अब आते हैं कि एक गार्बेज कलेक्टर वाला अगर बात है, तो गार्बेज कलेक्ट मतलब ऐसे गार्बेज कलेक्टर बोल रहे हैं, सॉरी, गार्बेज वैल्यू की जो बात कर रहे हैं, कि जैसे अगर मान लीजिए कि हम वॉइड मेन लिखते हैं, ठीक है, और इसमें ऑटो आप लगाए या ना लगाए बात, और इसमें हम कोई वैल्यू इनिशियलाइजेशन नहीं करते,
आप यहाँ ऑटो लिखें या ना लिखें बाय डिफॉल्ट ऑटो रहेगा, ठीक है। हम कोई वैल्यू इनिशियलाइजेशन नहीं करते हैं, तो क्या कहता है कि इनिशियल वैल्यू इसमें क्या जाएगा, गार्बेज। तो अगर मैं बिना इनिशियलाइज किए हुए इस एक्स को प्रिंट करूं तो हमको क्या दिखेगा, गार्बेज वैल्यू। क्या आएगा रिजल्ट में, यानी गार्बेज वैल्यू एक ऐसा वैल्यू है जो कंपाइलर जनरेटेड होता है, और वो वैल्यू जो हम पहले से पता नहीं होता है, नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, ठीक है, क्लियर, ओके। तो ये भी हमको सिखा रहा है, बता रहा है कि अगर आप ऑटो स्टोरेज क्लास से रिलेटेड वेरिएबल का इस्तेमाल कर रहे हैं और फर्दर कोई इसके वैल्यू में ऑपरेशन करना है तो आपको कोई इनिशियलाइजेशन वैल्यू इसको करना ही होगा, या तो आप खुद से इनिशियलाइज कर लीजिए या इनपुट करा के आप कराइए। नहीं, गार्बेज वैल्यू मिलेगा जरूर, लेकिन आप प्लस माइनस कीजिएगा, तो कूड़ा कड़कट में कुछ भी डालिएगा तो कूड़े कड़कट में होगा। नहीं, आप तो किसी भी चीज का इस्तेमाल आप अपने पर्पस के लिए करेंगे, ठीक है। मान लीजिए पहली बार आपको 10 मिला, ठीक है, बाद में आगे आपको 5 जोड़ना है, तो आपको पता है ना कि 10 में 5 जोड़ने पर 15 आना चाहिए। अब गार्बेज में 5 जोड़िएगा तो आप 15 का एक्सपेक्ट कीजिएगा, ठीक है। तो ये बता रहा है कि मैं गार्बेज हूं, यानी जब भी आपको मेरे को काम करना है तो कोई ना कोई इनिशियलाइज आपको मेरे को, ये ऑटो, ये कंपाइलर का अपना, ठीक है। कंपाइलर कहता है कि जो 2 बाइट हम जगह घेरते हैं ना, तो घेर के हम ब्लैंक नहीं रखते हैं, जीरो नहीं रखते हैं, हम कोई कोई वैल्यू डाल देते हैं, ठीक है। ये कंपाइलर का, कंपाइलर जनरेटेड वैल्यू, ये मेरे को नहीं पता है, ठीक है। और हर बार में ये वैल्यू क्या होगा, अलग अलग है, ठीक है। एंड दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड अ गार्बेज, ओके। ये आपके लिए ये वैल्यू यूजलेस है, क्या है, यूजलेस है। अगर आपको काम करना है तो आपको इस गार्बेज वैल्यू को हटाना होगा, और इसके लिए आपको उसमें वैल्यू इनिशियलाइज करना होगा। जैसे इन टैक्स इज इक्वल टू आप 0 लिख दीजिए, तो गार्बेज हट गया, उसमें क्या चला गया, 0 चला गया, ठीक है। या इन टैक्स इज इक्वल टू 12 लिख दीजिए, गार्बेज हट गया, उसमें क्या चला गया, 12। या आप उसमें इनपुट करा लीजिए, गार्बेज हट गया, उसमें जो आप इनपुट किए वो वाला वैल्यू चला गया। पॉइंट क्लियर, ओके। अब सेकंड है, सेकंड दैट इज कॉल्ड रजिस्टर। ठीक है, ये डिफॉल्ट नहीं है, मतलब इसको आपको वेरिएबल के साथ जो डिफॉल्ट है उसका क्या मतलब है, लिखें ना लिखें वो रहेगा, और जो डिफॉल्ट नहीं है उसको लिखना पड़ेगा। जब वर्ड हम कहे कि ये डिफॉल्ट चीज होता है तो मतलब लिखें या ना लिखें वो है, और जब कहे कि ये डिफॉल्ट नहीं है तो आपको उस जगह पे उसको लिखना पड़ेगा। क्लियर, क्लियर, ठीक है। मतलब डिफॉल्ट कि ये चेयर मेरा है, तो डिफॉल्ट का मतलब है मैं ही इस चेयर पर बैठूंगा, मैं ही इस चेयर पे बैठूंगा। लेकिन दूसरा आया होगा कि डिफॉल्ट नहीं है, मतलब ये पहले वेल नोन है कि मैं ही बैठूंगा, लेकिन दूसरा आया, ठीक है, तो आपको इस डिफॉल्ट पोर्शन को हटाना होगा, यानी उसको रिप्लेस करना होगा। समझ में आ रही बात, तो आपको हर बार लिखना होगा। अगर आप किसी को भी रजिस्टर से डिक्लेयर करेंगे तो इस कीवर्ड का इस्तेमाल आपको करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसमें हम लोग लिख सकते हैं कि दिस इज अनदर स्टोरेज क्लास ठीक है, इट प्रोवाइड्स to declare
अ वेरिएबल विद इन किसमें विद इन रजिस्टर मेमोरी. ठीक है विद इन रजिस्टर मेमोरी. ओके यू हैव टू you have to write this keyword every time when you want to declare a variable within register. Okay. Keyword every time. To write this keyword every time. Okay. Every time when you want to declare, a variable within register, ठीक है यहाँ पे कोमा लगा दीजिए. You have to write this keyword every time when you want to declare a variable within register. Okay. Because register is very less in size comparatively with compare with किसके साथ RAM and hence normally char and int data type can be used with register. ठीक है ये 16 बिट के अनुसार हम लिख रहे हैं. कितने बिट प्लेटफॉर्म के अनुसार 16 बिट्स. ठीक है बदल भी सकता है, हो सकता है कि लॉन्ग भी होने लगे, ये फिक्स नहीं है एकदम. लेकिन जो हम पढ़ रहे हैं उसके अनुसार हम अगर कहें तो इसमें दो ही चीज होना चाहिए, इंट और कैर ही होना चाहिए. क्लियर. ओके द लाइफ साइकिल द लाइफ ऑफ रजिस्टर register variable depends upon block in which it is declared. ओके तो स्टोरेज का नाम क्या हो गया, शॉर्ट में अगर लिखें रजिस्टर. स्टोरेज क्लास का नाम क्या हो गया, रजिस्टर. और
मेमोरी क्या हो गया इसका, रजिस्टर मेमोरी किसमें आ जाएगा, रजिस्टर में या सीपीयू रजिस्टर भी आप कह सकते हैं, ठीक है। और लाइफ किस पे आधारित रहेगा, ब्लॉक पे। और डिफॉल्ट वैल्यू इसमें भी गार्बेज ही क्या होगा, ठीक है। अब एग्जांपल अगर कोई ले ले हम, ठीक है, तो आपको रजिस्टर इस केस में लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो ये जो 2 बाइट मेमोरी बना है, रैम में नहीं बना, कहाँ बना, रजिस्टर में, ठीक है। सॉरी, ठीक है, इसको रन करा लीजिएगा, बस और कुछ नहीं है, एक दिखाना है। और गार्बेज के लिए है तो एक्स बराबर 12 में 12 हटा दीजिएगा, प्रिंट कराइएगा तो गार्बेज वैल्यू प्रिंट करेगा, ठीक है। तो 2 पहले से बताया हुआ है, 2 ये भी बता दिए, क्लियर हो गया समरीन? यस सर। ठीक है, तो आगे बढ़ा जाए, पॉइंटर वाला किया जाए। सिंगल पॉइंटर, सिंगल डायमेंशन एरे आज पॉइंटर बताया, तो आज सिखा देते हैं कि डबल डायमेंशन एरे इज अ डबल पॉइंटर एंड ट्रिपल डायमेंशन एरे इज अ ट्रिपल पॉइंटर एंड सो ऑन, ठीक है। लेकिन यूज कैसे करेंगे, पिछले क्लास में तो हम लोग सिंगल डायमेंशन एरे को पॉइंटर की तरह यूज करना सीखे, ठीक है, जिसमें ये बताया कि अगर एरे का नाम एन है तो n प्लस आई लिखेंगे बिना स्टार के जब इनपुट कराना, और स्टार लगा के n प्लस आई स्टार लगा के तब करेंगे जब आउटपुट करना, ठीक है। वो तो सिंगल डायमेंशन, लेकिन जब डबल डायमेंशन होगा तब तब तो वहां रो का कंसेप्ट भी आएगा और कॉलम का भी कंसेप्ट आएगा, ठीक है। पर आपको एरे जब आपको हम पढ़ा रहे थे तो एक चीज बताए थे कि हमारे सुविधा और हमारे व्यवस्था के अनुसार सिंगल डायमेंशन डबल डायमेंशन या मल्टी डायमेंशन का कंसेप्ट दिया जाएगा, लेकिन हकीकत में मेमोरी के अंदर एक ही डायमेंशन होता है, कितना होता है, एक ही डायमेंशन, लेकिन उसकी व्यवस्था ऐसे बना के हमें दी जाती है, सिखाई जाती है कि हम उसे डबल डायमेंशन या मल्टी डायमेंशन में सीखते हैं, काम करते हैं, दिखाते भी, पर मेमोरी के अंदर वो डबल डायमेंशन मल्टी डायमेंशन नहीं है, वो सिंगल डायमेंशन है, लेकिन सिंगल डायमेंशन में ही मेमोरी का इस तरह का ऑर्गेनाइजेशन है कि हम उसे डबल या मल्टी डायमेंशन में फॉलो अप कर रहे हैं, ठीक है। तो उसको भी मैं आपको सिखा दे रहा हूं यहाँ पे, और अभी आपको जो मैं बता रहा हूं वो ये है कि ये डबल डायमेंशन एरे एज डबल डायमेंशन एरे एज, ठीक है। तो जाहिर बात है कि पॉइंटर टू पॉइंटर का कंसेप्ट लगेगा, यानी डबल पॉइंटर का कंसेप्ट लगेगा, हम ब्रैकेट में लिख रहे हैं समझने के लिए, सर एक पॉइंटर से तो काम चलेगा नहीं, सिंगल डायमेंशन में तो या तो रो होता है या कॉलम होता है, तो एक पॉइंटर, यहाँ तो रो और कॉलम दोनों होंगे, ठीक है, तो फिर रो को कौन करेगा और कॉलम को कौन करेगा, तो 2 तो पॉइंटर होना ही होना चाहिए, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा हम लोग समझते हैं,
कि कैसे ये काम करेगा। मान लीजिए पहले व्यवस्था को समझते हैं, है ना, व्यवस्था ही समझना, और इसमें कुछ है नहीं, कोई थ्योरी नहीं है, प्रैक्टिकल चीज है कि भाई डबल डायमेंशन एरे एज पॉइंटर, भाई हमको पॉइंटर के रूप में है एरे, हमको पॉइंटर बना के यूज करना है, तो वो व्यवस्था को हमको समझना होगा ना। तो मान लीजिए कि यहाँ पे एक डबल डायमेंशन हम एरे ले लें, इसका कोई थ्योरी नहीं है, बस एक अंडरस्टैंडिंग है, ठीक है। अब उस अंडरस्टैंडिंग को आप थ्योरी में लिख दे तो अलग की बात है, ठीक। कितना ले लें, 2 into 2 का लेके ले समझा देते हैं, 3 into 3 पे समझाए, 3 into 3 तो डबल डायमेंशन तो ऐसा ही होता है, सही है कि गलत है, इसमें इसका क्या मतलब हुआ, इसमें तीन रो, तीन कॉलम, ठीक। अब इस एरे को सिंपली अगर हमको समझाना हो, सीख जो हम अभी तक हम लोग जो सीखे थे, अच्छा बैटरी जा रहा है तो बैटरी को बचाना होगा, तो जैसे अभी तक हम लोग जो पढ़े थे, जो सीखे थे, वो ये सर कि 3 रो है 3, तो ऐसे इसको 3 रो बनेगा सर, और इसमें 3 कॉलम बनेंगे, ये ना बताया गया था आपको, वहां सर 3 रो और 3 कॉलम बनेंगे, और डाटा इसी तरह से रो और कॉलम के सेंस में ऑर्गेनाइज होंगे, 0, 1, 2 रो हो गया इंडेक्स, और 0, 1, 2 कॉलम इंडेक्स हो गया, ठीक है। अब रो इंडेक्स कॉलम इंडेक्स दोनों दीजिए, वैल्यू दीजिए, वो उस जगह पे जाके बैठ जाएगा, ठीक है। हम लोग ऐसे ही समझे, ऐसे ही प्रॉब्लम को सॉल्व भी किया, ठीक है, और ये सही है, प्राइमरी अंडरस्टैंडिंग पे सही है। पर वहां पे मैंने बताया था कि डायमेंशन चाहे हम कोई भी पढ़े, मेमोरी तो सिंगल डायमेंशन होता है, क्या होता है, तो इसका मतलब कि आप भले डबल डायमेंशन पे काम कर रहे हैं, मेमोरी के अंदर तो ये सिंगल डायमेंशन है, ऑर्गेनाइजेशन कुछ ऐसा हो रहा है उस सिंगल डायमेंशन का कि हम उसे डबल डायमेंशन समझ, बस वही समझ जाएंगे, अगर वो समझ में आ जाएगा तो पॉइंटर भी समझ में आ जाएगा, क्लियर। हकीकत में जो हम ऐसे करते हैं वो ऐसे नहीं है, बल्कि वो 3 into 3 यानी टोटल कितने हो गए, 9, वो 9 ब्लॉक्स लगातार है, क्या है, लगातार 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9 लगातार, ठीक है, यानी आप ऐसे समझ रहे हैं, ठीक समझ रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आपको समझाया है ऐसे क्या, पर मेमोरी ऐसे नहीं है, हो भी नहीं सकता, मेमोरी कैसे है, ऐसे एक ही डायमेंशन, ओके, क्योंकि मेमोरी के अंदर कोई डायमेंशन होता ही नहीं, होता सेल होता है, सेल के बाद सेल एलोकेट करते जाता है, तो 3 into 3 मतलब 9 सेल, मतलब आप क्या रिक्वेस्ट कर रहे हैं ओएस को, ये 9 सेल तुम एलोकेट, वो 9 सेल को लगातार एलोकेट कर दिया, अब उसे आप सिंगल डायमेंशन समझने लगे, ठीक है। अब ये तो आपको समझाया, अब इसका मेमोरी ऑर्गेनाइजेशन समझते हैं एक्चुअल, मतलब आपने ये 3 into 3 लिया, ऐसे दिख रहा है, हम बता रहे हैं मेमोरी में ऐसे है, अब इसका मेमोरी का एक्चुअल ऑर्गेनाइजेशन कैसे है वो समझते हैं, कलर बदल देते हैं, होता क्या है, पॉइंटर के रूप में होता क्या है कि टोटल एलोकेट होता है 9 मेमोरी में, ध्यान से समझिएगा,
एकदम दिमाग को यहीं पे रखे रहिएगा, इधर उधर नहीं कीजिए। टोटल कितना ब्लॉक बना? 1 2 3। हकीकत में 3 3 लिखे हैं तो कंपाइलर को कह रहे हैं कि तीन का तीन पेयर बना। ठीक है, तो पहला 3, दूसरा 3 और तीसरा 3। ठीक है, तो इस पेयरिंग को हम ऐसे दिखा दें, कोई दिक्कत है? ये 3 का एक पेयर, ये 3 का दूसरा पेयर और ये 3 का तीसरा पेयर, यानी 3 3 का 3 पेयर तैयार हो गया। कंपाइलर को ये कह रहा है। अब कंपाइलर कह रहा है कि हम तो एक्चुअली आप कह रहे हैं, लेकिन हम तो इसे पॉइंटर समझ रहे हैं, इंटरनली पॉइंटर बना के यूज कर रहे हैं, एक्सटर्नली आपको समझना है। तो क्या हो रहा है? तो आपको याद होगा कि जब पिछले क्लास में बताए थे कि सिंगल डायमेंशन जब लिए थे तो हम बताए थे कि एक मेमोरी वो अपने लिए स्पेसिफाई करता है, वो मेरे एरे के साथ नहीं जुड़ा हुआ। यस सर। जब एक डायमेंशन फर्स्ट वैल्यू, यहाँ तो 3 डायमेंशन हो गया, 3 पेयर हो गया, तो अब वो कह रहा है ना कि हम अपने लिए अंदर में कितना करेंगे? 3। इसका आपके साथ कोई मतलब नहीं है, ये अलग है, ये 3 कंपाइलर खुद से कर रहा है। सर क्यों कर रहा है 3 को? सर वहां 1 जो किए थे तो उसमें बताया था कि बेस एड्रेस रखेगा, तो यहां तो 3 3 का 3 पेयर है ना, तो 3 में बेस एड्रेस मिला, तो 3 बेस एड्रेस रखने के लिए इंटरनली कितने सेल्स की उसकी जरूरत होगी? 3। वो 3 किया, ठीक है, तो कहा कि ठीक है कर दिए, लेकिन इन 3 में भी तो एक बेस बन जाएगा, ये भी तो लगातार होंगे अंदर में, ये 3 सेल भी तो लगातार कहीं होंगे, इनका भी एक बेस बन जाएगा। तो कंपाइलर कह रहा है ना कि एक और हम अपने लिए और सेल एलोकेट करेंगे और इस सेल में इन 3 का बेस एड्रेस डालेंगे। क्या डालेंगे? बेस एड्रेस। अब जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि इसका ये तीनों ये जो ब्लॉक्स हैं, ये 10 100 है, ये 101 है, ये 102 है, ये 103 है, ये 104 है, ये 105 है, ये 106 है, ये 107 है, ये 108 है, मान लीजिए ऐसा। ठीक है, अब इन 3 में बेस एड्रेस कौन कौन निकला आपका? इन 3 पेयर का पहला बेस एड्रेस 100, इसका बेस एड्रेस 103 106। क्लियर? कंपाइलर मान लीजिए कि कंपाइलर 3 एलोकेट किया, तो कहा कि इसका भी तो कुछ ना कुछ एड्रेस होगा, तो मान लेते हैं कि इसका एड्रेस होगा 135 136 और 137। ठीक है, इसमें बेस एड्रेस कौन निकल जाएगा? 135। अब कर क्या रहा है कि पहले इन 3 में इन 3 पेयर का बेस एड्रेस डाला, तो पहला में डाल दिया इसमें किसको? 100। दूसरे में किसको डाल दिया? वेरी गुड। और तीसरे में किसको डाल दिया? 106 सर। अब कहा कि इन 3 में जो बेस एड्रेस है उसको हम डाल देते हैं किसमें? 135। ठीक है, मान लीजिए कि इसका कुछ एड्रेस है 150। ठीक है, अब क्या हुआ इसमें कि इसको कहा कि ये जो ब्लॉक है ना, ये जो सिंगल वाला है, यही हमारा पॉइंटर है। क्या है? पॉइंटर एरे है। तो ये इसको पॉइंट कर रहा है, ये इसको पॉइंट कर रहा है और ये इसको पॉइंट कर रहा है। ठीक है, अब देखिए ये मान लीजिए कि ये जो पहला पेयर है इसको थोड़ी देर के लिए समझ लेते हैं, ये रो है। क्या है? ठीक है, ये दूसरा दूसरा रो है और ये तीसरा तीसरा, समझ सकते हैं ना, हमको इसी पे ना काम करना है। ये पहला 3 पहला रो, दूसरा 3 दूसरा रो और तीसरा 3 तीसरा रो। ओके, हमको तो वैल्यू ऐसा ही डालना है। ठीक है, अब अगर हम क्या करते हैं, यहाँ पे हम लिखते हैं, अगर इंडेक्सिंग को लेके चले, एरे इंडेक्सिंग को लेके चले ऊपर में, अभी तक जो हम डबल डायमेंशन यूज करते आ रहे थे, तो ये हो गया आपका 0 1 2। ठीक है, और ये भी हो गया आपका 0 1 2, जैसे कि ये दिख रहा है,
और ये भी हो गया जीरो वन और क्या तीन तीन का पेयर हो गया और ये तीनों मिलके क्या बना जीरो और ये तीनों मिलके क्या बना वन और ये तीनों मिलके क्या बना टू। तो अगर मान लीजिए कि आप लिखते हैं एन टू जीरो तो इसमें तो बड़ा इज इक्वल टू 45 तो बड़ा आसानी से गया सर दूसरा रो जीरो वाला कॉलम ये ब्लॉक है इसमें क्या चला गया 45। सर इसमें भी तो समझ सकते हैं दूसरा रो वाला होगा सर पहले और जीरो ये है इसमें चला जा गया क्या 45 क्लियर। ठीक है ये तो हम लोग नॉर्मली यूज करते हैं अब इसको उनको पॉइंटर के साथ समझना है। तो जब हम सिंपल एन कहेंगे सिंपल एन तो इसमें क्या मिलेगा एन का वैल्यू क्या 135 क्या मिलेगा 135 और इसमें अगर हम जीरो जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 135 और 135 के पहले लगा देंगे स्टार तो ये इसको इस एड्रेस को पॉइंट करेगा तो क्या मिल जाएगा 100 यानी पॉइंटर का क्या मतलब होता है उस एड्रेस के अंदर का वैल्यू बताओ तो 135 के अंदर में कौन सा वैल्यू है 100। लेकिन क्या आपको ये यूज करना है ये यूज नहीं करना है वो तो बता रहा है कि पहला रो पे आप जा रहे हैं पहला रो पे आप जा रहे हैं। ठीक है और अब मैं कहूं कि इसमें भी जोड़ो जीरो और इन सब को फिर से क्या कर दो पॉइंट कर दो। देखिए ये समझना है बस ये समझ गया सब समझ नहीं समझ पाए समझ गया सर ये 100 के अंदर जो है ना उसको एलोकेट करेगा तो बड़ी दिक्कत है। ना इसमें चेहरा बनाने वाली कोई बात ही नहीं और ये ऐसा कोई जादू भी नहीं है कि जादू वाला। ठीक है अब आपको समझना हो और इसमें रिवीजन कई बार कराया है वहां भी आप लोग गायब थे 3-4 बार रिवीजन हुआ है ना क्लास में तो कैसे हो। अब इस एक चीज को समझने के लिए पीछे के बहुत चीजें को समझना हो अरे भी वही हाल होगा कि अरे समझ में आ रहा है तो जो ढेर दिन से छोड़े हुए हैं ना बहुत। अब उसका निवारण अब होगा करेंगे एक्चुअली लास्ट चैप्टर चल रहा है तो चैप्टर खत्म करेंगे उसके बाद एक रिवीजन स्टार्ट करेंगे। ठीक है जो शुरू से चलेगा उसी में आपका निवारण मिलेगा अनलेस अंटिल एग्जाम नाउ डिले हो जाए तो जितना ज्यादा रिवीजन होगा उतना आपका फायदा होगा और अगर एग्जाम हो गया तो अब कोशिश कीजिए इसी को समझने का। ठीक है बाकी जो रेगुलर है वो सब समझ रहा है। ठीक है और टेक्निकल दिक्कत होता है तो उसके लिए तो समझाएंगे अब इसके लिए पूरा एरे बताइए फिर आपको टाइम लगेगा तो रिवीजन में हम लोग करेंगे। ना इसको करने के लिए बहुत पीछे ले जाना हो। अच्छा ये एरे समझ रहे हैं ये जो बताएं वो उसमें दिक्कत हुआ ये जो कंपोजिशन बताएं ये सब यहां तक ये यहां से लेके यहां तक व्यवस्था ही समझ में आ रहा है। अच्छा ठीक है तो हम जब n लिखेंगे n का मतलब क्या होता है n का वैल्यू n मतलब तो n का वैल्यू क्या है 135 वेरी गुड उसमें आप जीरो जोड़ दें क्योंकि ये कांस्टेंट होता है ये जो वैल्यू है ना इसमें इन सब में ये कहता है कांस्टेंट तो कांस्टेंट है तो आप उसको बढ़ा नहीं सकते। हाँ उसमें कुछ जोड़ के उसको पॉइंट कर सकते हैं पर उसको खुद को 136 137 नहीं कर सकते हैं वो 135 फिक्स है। ठीक है
तो हम क्या किए कि एन लिखे मतलब 135, और हम इसमें जीरो जोड़े क्योंकि हमको यहां पर पहुंचना है ना, फिर यहां भी पहुंचना है, फिर यहां भी पहुंचना है। तो जब जीरो जोड़ेंगे ठीक है और कहेंगे कि पॉइंट करो, तो 135 में जीरो जोड़ा तो कितना मिला, और 135 को पॉइंट किया यानी 135 वाले मेमोरी को पॉइंट किया तो क्या मिला 100। 135 वाले मेमोरी को पॉइंट किया तो क्या मिला 100 ठीक है ओके। तो इससे मिल गया 100 ठीक है, लेकिन हमको इस 100 यहां वाला 100 से तो कोई मतलब नहीं है, हमको तो यहां वाला 100 से ये वाला चाहिए ना। अब हम इसमें फिर से जीरो जोड़ दी तो 100 इतना का मतलब कितना हुआ 100 ठीक है, और 100 में फिर कितना जोड़े जीरो, और फिर पॉइंट किए तो ये वाला मिल गया। यानी अगर हम यहाँ पे लिखें 85 तो ये वैल्यू कहाँ चला जाएगा 100 में ठीक है ओके। सिमिलरली अब अगर हम यहाँ पे लिखें स्टार स्टार एन प्लस जीरो प्लस वन इज इक्वल टू 86 कहाँ जाएगा 101 ब्लॉक में सर, 101 ब्लॉक में एब्सोल्युटली राइट ठीक है ओके। और अगर मैं लिखूं स्टार स्टार एन प्लस वन प्लस जीरो इज इक्वल टू ठीक है 94 कहाँ जाएगा 103 ब्लॉक में, 103 ब्लॉक ब्लॉक बिल्कुल सही बिल्कुल सही ठीक है। इससे क्या पता चल रहा है कि ये जो अंदर वाला में जो प्लस कर रहे हैं ना और जो बाहर वाला में प्लस कर रहे हैं, ये अंदर वाला जो प्लस है ये रो का कंसेप्ट जनरेट कर रहा है और जो बाहर वाला कंसेप्ट है वो उस रो के कॉलम का कंसेप्ट कर रहा है। अब ये पता चल गया तो आराम से हम पॉइंटर लेंगे ठीक है। एक चीज ध्यान रखना है कि जब आउटपुट देंगे ठीक है तो डबल पॉइंटर दोनों पॉइंटर का इस्तेमाल करना है, लेकिन जब इनपुट कराएंगे तो जो आउटर पॉइंटर एस्टरिस्क है उसको इग्नोर करेंगे, इनर वाला रहेगा आउटर वाला इग्नोर हो जाएगा ठीक है। तो एक काम करते हैं इसको डबल पॉइंटर का एक एग्जांपल इसी पे समझाते हैं। थ्री का ले लेते हैं ना, और रो के लिए आई कॉलम के लिए जे ठीक है ओके। सी एल आर एस सी आर लगा दीजिए ठीक। यहाँ पे आप क्या लिखेगा प्रिंट एफ इंटर द वैल्यूज इन थ्री क्रॉस मैट्रिक्स ठीक है। अब इसमें एक लूप चलाइएगा 4i जीरो से लेके कहां तक चलेगा 3 का है तो 2 तक, और इसमें j एक j का चला दीजिए वो भी कहां तक चलेगा ठीक है। और इसमें क्या करना है ठीक है, इसमें देखिए पहला स्टार इन एन सॉरी फिर दूसरा स्टार एन प्लस आई यहाँ पे रो जाएगा, अब प्लस यहाँ पे क्या जाएगा जे ठीक है ओके। दो बंद और ये मेन बंद, लेकिन क्या बोले कि जब स्कैनएफ होगा तो जो आउटर स्टार है वो इग्नोर होगा, जानबूझ के दिए थे ताकि आपको समझाया जा सके। आउटर स्टार जो है वो इग्नोर होगा लेकिन जब प्रिंट कराएंगे तो देना पड़ेगा ठीक है हो गया। अब इसी तरीके से एक लूप चलाइए डिस्प्ले के लिए
ओ शिट, क्या होगा यहाँ पे? यहाँ पे 5D दे दीजिए, और इसको मैट्रिक्स के फॉर्म में कराना है ना, तो 5 5 5 उसके बाद न्यू लाइन क्रिएट हो जाए, ऐसी व्यवस्था करनी होगी। तो इसमें लगा दीजिए आप ओपनिंग ब्रेसेस, यहाँ पे आइए और इसमें दे दीजिए फिर से क्या, ठीक है, गेट सी एच बन बन गया आपका। 5 5 स्पेस पे पहले एक रो का तीनों कॉलम कर दिया, ठीक है, फिर जब एक इनर से निकल के जब आउटर में आएगा तो न्यू लाइन बना देगा, ठीक है, तो रो बदल गया, नीचे आ गया, फिर दूसरे रो का तीनों आ जाएगा, समझ गए हैं? अब इसको रन कराते हैं, दो एरर है, कहाँ एरर है देखिए, स्टेटमेंट मिसिंग, कहाँ, वेयर इज द स्टेटमेंट मिसिंग, एक दो दो, अच्छा एक दो बंद होना चाहिए, नहीं ज्यादा एक हो गया लग रहा है, यहाँ भी एक ज्यादा हो गया, ठीक है, क्या कहते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 आ गया। हमने एरे को एरे की तरह कहाँ यूज किया, हम तो एरे को पॉइंटर की तरह यूज किया, ठीक है, ओके, तो सिंगल डायमेंशन सिंगल पॉइंटर, डबल डायमेंशन डबल पॉइंटर, ट्रिपल डायमेंशन ट्रिपल पॉइंटर एंड सो ऑन, ठीक है। तो आप इसको नोट कर लीजिए, और अगर डबल डायमेंशन एरे को कोई पूछे कि पॉइंटर की तरह दिखाइए बताइए, तो आप ये वाला एग्जांपल उसको समझा दीजिए, क्लियर? यस सर। सर पीडीएफ शेयर कर दीजिए सर। लास्ट पिछले क्लास में सर सिंगल डायमेंशन हुआ था उसका भी, और आज वाला भी सर हो गया नोट ना, चलिए अच्छा रुकिए इंतजार कीजिए, पिछले क्लास का आपका हुआ था क्या? सिंगल हुआ था सर, सिंगल डायमेंशन वाला, अच्छा 47 ये वाला था क्या? हाँ तो ये कितने तारीख का था? 28 अगस्त का ना, अरे कंफ्यूजन नहीं क्रिएट करो, पिछले क्लास का चाहिए ना समरीन। यस सर। 28 अगस्त का ना? यस सर। उसके पहले तक का है ना? यस सर। ठीक है 28 का हो गया, आज 31 का भी कर लेते हैं,
ठीक है, मिल गया।